वेलकम टू टाइम्स ऑफ सिनेमा। भले ही कोई भी करेक्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो गॉड के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, वो कभी भी गॉड नहीं बन सकता। बट कुछ ऐसे भी करेक्टर हैं जो कि अपने पावर के प्राइम फॉर्म में आने के बाद वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो गॉड लाइक बींग बन जाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे ही कुछ करेक्टर के बारे में जो कि गॉड मूड में आ गए थे, मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं कि वो गॉड लाइक फॉर्म में आ गए थे। कैप्टन अमेरिका। जो कोई भी इस हैमर को उठाएगा, अगर वो वर्दी है यानी कि लायक है, तो उसके अंदर थॉर की शक्तियां आ जाएगी। ये बात ओडिन ने कही थी। और इतने समय तक वेट करने के बाद फाइनली कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को उठाया था। जब एंड गेम में थैनोस थॉर को मारने ही वाला था, कैप्टन अमेरिका ने सिर्फ म्योनिर को नहीं उठाया था, बल्कि उसने थॉर का लाइटनिंग को भी समन किया था, जो कि उसे थैनोस से लड़ने में मदद किया। और हम लोग जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना बेहतरीन है, और उसे इसमें काफी फायदा भी हुआ। और जिस तरह कैप्टन म्यूनिर और लाइटनिंग दोनों को एक साथ मिलाकर थैनोस के ऊपर अटैक किया, उस तरह थॉर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कैप्टन है। और याद करो, ये ब्रुकलिन का वही स्टीव रोजर है जो कि पतला सा था और लोगों से मार खाता था। गॉडजिला। गॉडजिला को मॉन्स्टर वर्स, जैसे कि हमारा मार्वल यूनिवर्स है उसी तरह मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है। और वैसे भी गॉडजिला हमेशा गॉड मूड में ही रहता है, इसलिए तो उसका नाम गॉडजिला है। हालांकि हमने कई सारे मूवी में गॉडजिला के प्राइम फॉर्म को देखे हैं, बट हम लोग रिसेंटली का बात करते हैं जब 2019 में गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी आया था। उस मूवी में हम लोग देखते हैं कि गॉडजिला गिडोरा नाम के एक प्राइम मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन जब गॉडजिला अपने प्राइम फॉर्म में आता है तो वो अपने गॉड लेवल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। उस वक्त लिटरली गॉडजिला गॉड से भी ज्यादा पावर हो गया था, क्योंकि वह बस चलने के वजह से वहां के मौजूद सभी बिल्डिंग मेल्ट हो रहा था, उसके शरीर से इतना रेडिएशन निकल रहा था। आप लोग यकीन नहीं कर सकते, लेकिन गॉडजिला की रेडिएशन के वजह से वहां पर मौजूद सड़क तक गल चुका था। हालांकि उसके बाद गिडोरा गॉडजिला के ऊपर जितना भी अटैक कर रहा था, गॉडजिला को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि गॉडजिला की रेडिएशन के वजह से ही गिडोरा आधा मर चुका था। वहीं जब गॉडजिला अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट मारता है तो वो एक एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल होता है और वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर आपने अभी तक गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप लोग एक बार जाकर ट्राई कर सकते हैं। फ्लैश। चाहे आप मार्वल फैंस हो या डीसी फैंस हो, हम सभी को मानना ही पड़ेगा कि सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो फ्लैश ही है। बट समटाइम फ्लैश इतना भी फास्ट नहीं होता कि वो दुनिया को बचा सके। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट जस्टिस लीग मूवी में हुआ था, जब स्टीफन वुल्फ मदर वॉक्स के हेल्प से अर्थ के ऊपर कॉन्करर कर लेता है। उस वक्त वहां पर मौजूद सभी सुपर हीरो, मतलब कि जस्टिस लीग के सभी 6 मेंबर मारे जाते हैं। बट जैसे ही वो ब्लास्ट फ्लैश के पास पहुंचने वाला होता है, उस वक्त ही फ्लैश लाइट के स्पीड को टच कर जाता है और उसके लिए वहां पर वक्त रुक जाती है। लिटरली उस वक्त फ्लैश का हर कदम टाइम को रिवर्स कर रहा होता है। जैसे जैसे फ्लैश आगे बढ़ता है, टाइम को पीछे वो कर देता है। दैट मींस फ्लैश उस वक्त टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा रहा था और वो पूरे पृथ्वी को वापस से रिकवर कर देता है। और उस ब्लास्ट में जितने भी सुपर हीरो मरे थे उन सभी को वापस जिंदा कर देता है, और ये सभी गॉड भी नहीं कर सकता, लिटरली गॉड भी नहीं कर सकता। और कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि उस वक्त फ्लैश लाइट के स्पीड से भी ज्यादा था, क्योंकि लाइट के स्पीड में टाइम बस स्लो होता है, लेकिन लाइट के स्पीड से आगे बढ़ने पर टाइम पूरी तरह रिवर्स में जाने लगता है। दैट मींस आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा ऐसा गॉड है जो कि टाइम को रिवर्स कर सकता है। मैट्रिक्स। कियानो रीव्स की ये मूवी साइंस फिक्शन मूवी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई थी, क्योंकि इसी मूवी को देखने के बाद लोगों को साइंस फिक्शन मूवी में इंटरेस्ट आ गया था। इस मूवी में हमें एक नियो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि मैट्रिक्स को तोड़कर बाहर निकल जाता है। मैट्रिक्स का मतलब वो दुनिया जो कि फिक्शनल है, आपको बस सपने में दिखाया जाता है और आप उसके अंदर अभी तक कैद हैं। और अगर आप एंड्रयू टेट को जानते हैं तो वो भी इसी मैट्रिक्स वर्ड का यूज करता है कि आप लोग इस मैट्रिक्स के दुनिया से बाहर निकलो। उस मूवी में हमें यही चीज दिखाया गया था। उस मूवी में एक वक्त आता है जब नियो के पास इतना पावर होता है कि वो पूरे अर्थ को कंट्रोल कर सकता था, वो पूरे मैट्रिक्स को और पूरे फ्रिक्शनल दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। उसको वहां पर मार भी दिया जाता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब वो इतना पावर था कि वो किसी भी चीज को रोक सकता था। और इस सीन को मैट्रिक्स का सबसे बेस्ट सीन माना जाता है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग एक बार जाकर देख सकते हैं। आई एम आयरन मैन। वेल एंड गेम में कई सारे एपिक और गॉड लाइक सीन हैं, जैसे कि वांडा का थैनोस से बदला लेना। You took everything from me. I don't even know who you are. You will.
कैप्टन अमेरिका का म्योनिर उठाना और उसी में से एक आता है आयरन मैन का इन्फिनिटी स्टोन को यूज करना। वैसे भी हम जानते हैं आयरन मैन ना ही कोई गॉड था और ना ही कोई सुपर सोल्जर, लेकिन फिर भी वो जिस तरह इन्फिनिटी स्टोन को यूज करता है वो कोई गॉड भी नहीं कर सकता। आयरन मैन खुद का सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो पूरा अर्थ को बचा सके और थैनोस को वहां से हटा सके। लिटरली इसमें कोई भी ज्यादा पावरफुल सीन नहीं था और ना ही कोई एक्शन सीन था, बट वहां पर दिखाया गया था कि आयरन मैन ने किस तरह अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया लोगों को बचाने के लिए, जो कि ऑब्वियसली कोई ज्यादा बड़े गॉड भी नहीं कर सकते थे। वेल, यही कुछ कैरेक्टर थे जो कि गॉड लाइक फॉर्म में आ गए थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और अगर मार्वल के सुपर हीरो का किल काउंट और उसके कत्लेआम के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।